बिहार में हेलीकॉप्टर से खोजे जाएंगे अब शराब के अड्डे। ड्रोन से लेस 4 सीटर हेलीकॉप्टर रोज 6 से 7 घंटे उड़ेगा। पहले ही दिन शराब के 5 अवैध अड्डे खोज निकाले गए। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के अड्डों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। इसी के चलते पहले पुलिस का उड़न दस्ता था, फिर ड्रोन से सर्वे करके अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने का सिलसिला चला। अब सरकार हेलीकॉप्टर को देखना चाहती है। हेलीकॉप्टर से सर्वे कर अवैध शराब कारोबारियों पर नकल कसेगी। यह आइडिया ऊपर मुख्य सचिव के पाठक का है। इस पर अमल करते हुए मंगलवार को हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान ली। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना से बाढ़ तक हेलीकॉप्टर से गंगा दियारे के इलाकों का एरियल सर्वे भी किया। एरियल सर्वे के दौरान शराब के 5 अवैध अड्डों की पहचान की गई। अधिकारियों ने इसकी सूचना संबंधित पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को दी। अब आगे की कार्यवाही ये अधिकारी ही करेंगे। अब पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर की मदद से शराब के अवैध ठिकानों को खोजा जाएगा, फिर पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी जाएगी और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। मद्य निषेध विभाग ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक बक्सर से कटिहार तक गंगा नदी और 11 इलाकों में लगातार सघन सर्वे किया जाएगा। हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 5 लोग बैठ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर हर दिन 6 से 7 घंटे लगातार ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा। इसकी उड़ान का हर घंटे का खर्च करीब 75,000 से 1,00,000 रुपए तक आएगा। एरियल सर्वे के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अभियंता और स्पॉट डिटेक्शन एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। स्पॉट डिटेक्शन एक्सपर्ट इलाके की पहचान कर जगह चिन्हित करेंगे। मंगलवार को हेलीकॉप्टर ने 1 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर की हर उड़ान का वीडियो भी बनाया जाएगा। इसके बाद ड्रोन की मदद से उत्पाद और पुलिस विभाग की टीम फॉलो अप एक्शन में अवैध शराब के अड्डों को नेस्तनाबूद करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर से लौटने के दौरान पटना हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो बुधवार को हेलीकॉप्टर से बक्सर इलाके में अवैध अड्डे को खोज की जाएगी। इस हेलीकॉप्टर के उड़ान से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप की खबर आई है। शराबबंदी के बाद बिहार में जहरीली शराब पीने से लोग लगातार जान गंवा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में बोतिया में नौतन प्रखंड के दक्षिणी तेलुआ गांव में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी वक्त गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की जान चली गई। वहीं दिसंबर में 9 लोगों की मौत हो गई। इधर नए साल 2022 में भी जहरीली शराब का कहर नजर आया। जनवरी के पहले ही दिन नालंदा में 14 लोगों की मौत होगी। वहीं नवंबर में विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली गई। आपके हिसाब से जहरीली शराब का बिकना कितना सही है और हेलीकॉप्टर वाले आइडिया से ये जहरीली शराब के अड्डों का ठिकाने का पता तो लग जाएगा, मगर क्या सरकार इसे रोक पाएगी या ये परंपरा अक्सर यूं ही चलती रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी जहरीली शराब को रोकने के लिए कोई आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबर।